Hello friends, my name is Satyam Kasyap. Actually, I have been BE in computer science from 2006. And since I'm not a very laborious student, I'm not a very genius student, and after BE, I'm not employed. तो उसके लिए हमें सबसे पहले जॉब के लिए हमें बैंगलोर जाना पड़ा कि कुछ लोगों ने बताया था कि बैंगलोर में जॉब मिलती है। और उस समय यार आज के जैसा नहीं था कि आपने पढ़ाई करी और जॉब मिल जाती थी। उस समय जॉब के लिए बहुत रगड़ना पड़ता था। हमारे सीनियरों को तो बहुत रगड़ना पड़ा। हमारे सीनियर तो कुछ ऐसे थे कि उन्हें हमारे समय तक जॉब ना मिली थी। वो हम और हमारे सीनियर दोनों झोला बस्ता लेके जॉब ढूंढा करते थे। तो यार आप लोग बहुत लकी हो नाउ डे कि यू जस्ट फिनिश योर ग्रेजुएशन एंड देन यू जस्ट इंटर इन योर जॉब इन योर प्रोफेशनल लाइफ। तो यार दोस्तों अभी क्या है, अभी आपको अच्छे से अपनी डिग्री लेनी है, फोकस करना है एंड यू गेट जॉब। बट दैट टाइम इफ यू आर ऑल्सो अ गुड स्टूडेंट देन यू नॉट गेट जॉब, नॉट सियोरिटी ओवर देयर। तो उस समय क्या था कि उस समय का सीन ही अलग था भाई। उस समय क्या होते थे, उस समय लोग जुगाड़ लगाते थे। हम तीन तीन रिज्यूमे रखा करते थे, एक 65% की जो मेरी ओरिजिनल थी, उसके बाद एक 75% की, एक 85% की, और उस हिसाब से हम जिस हिसाब से कंपनी रिज्यूम मांगती उस हिसाब से टिका दिया करते थे। कभी कभी गलती हो जाया करती थी, हालांकि हम तो कंप्यूटर तो थे ना, तो कभी कभी होती क्या थी कि मांगा 85% का, दे दिया 65% का। तो वो बोलते थे कि बाबा ये क्या दे दिया, यू आर नॉट एलिजिबल। बोला हाउ आई एम नॉट एलिजिबल सर। तो वो बोलते थे तुम्हारी यू जस्ट 65%। बोला सॉरी सॉरी, दिस इज नॉट माई रिज्यूमे, दिस वन इज माई रिज्यूमे। तो यार उस समय भी हम लोगों ने बैंगलोर में बहुत बसड़ करी, बहुत मजा आया। और कह लो तो कि जुगाड़ से आईबीएम में लग गए, मजा आने लगा लाइफ का। लाइफ सेटल थी, अच्छे पैसे मिल रहे थे, 25,000-28,000 रुपए मिलते थे हमें, जिंदगी चल रही थी। पर क्या होता ना, वो जिंदगी में चूर होती ना एक कि नहीं अब तो बस, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तो हमारे अंदर की अंदर आत्मा बोलती है अरे ये क्या है यार, ये थोड़ी ना करने आए थे। तो हमने भी वैसा ही करा, हमने भी मार दिए। मतलब ये नहीं बोल सकते कि अपन ने कुल्हाड़ी पैर पे मारा, अपन ने पैर ही कुल्हाड़ी पे मार लिया और अपन ने जॉब छोड़ डाली। और जॉब छोड़ने के बाद अपन आ गए इंदौर। इंदौर में आके हमने 6 मंथ का सर्टिफिकेशन कोर्स किया मार्केटिंग में, और उसके बाद हम लग गए एक छोटी सी कंपनी में, एफसी में, एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव फर्स्ट थोड़े दिन के लिए। और उस समय मुझे थोड़ा क्या था कि मुझे लोगों से रिलेशन बनाना शुरू से पसंद था। तो वी आर नॉट डूइंग अ जॉब 5 9 to 5, बैठ के सीट पे बैठे हैं और गूगल पे सर्च मार के और कोडिंग कर। तो ये चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी। तो मुझे समझ में आया कि यार आई एम नॉट बॉर्न फॉर कोडिंग, आई एम बॉर्न फॉर मेकिंग रिलेशन, नेटवर्किंग, दैट्स ऑल। तो ये पता चला कि ये मार्केटिंग में होता है, तो अपन ने मार्केटिंग की जॉब ढूंढना चालू करी। तो उसके लिए हमने सर्टिफिकेशन किया और मार्केटिंग में लगे। उसके बाद किसी ने बताया कि सप्लाई चेन इज द बेस्ट फॉर योर पर्सनैलिटी, तो वी आर जस्ट डूइंग द 6 मंथ कोर्स इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड देन बी इंटर्ड इन सप्लाई चेन। तो बाबा यहाँ से हमारी चालू ही कहानी सप्लाई चेन की। यहाँ हमने सब कुछ सीखा, क्या होता है परचेज, क्या होता है कॉस्टिंग, क्या होती है लॉजिस्टिक, ABCD सीखना चालू किया। और एज सच यू नो अबाउट दैट आई एम नॉट अ बिग वेरी जीनियस स्टूडेंट। सो हमें लगी, हमने रगड़ा खाया, हमने अपने आप को रगड़ा, तब कहीं जाके 13 साल में सप्लाई चेन को समझ पाया। तो आज के डेट में फिर मैं अपनी लाइफ को रिसाइकल कर रहा हूँ और वापस अपन बिजनेस में आ रहे हैं। तो आप, मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट किया है, एज यू नो यू, आप लिंक्डइन पे देख सकते हो, एक फार्मा चेज करके हमारी कंपनी है। और चूंकि मेरी पढ़ाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हुई थी, तो एक सॉफ्टवेयर की भी हमारी कंपनी है जिसका नाम है सत्यम इंफो। हम इसके अंदर वेबसाइट डेवलप करते हैं, इसके अंदर मोबाइल ऐप बनाते हैं, इसके अलावा हम इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। तो बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे करते हैं मेरे दोस्तों। अगर आपको लगे कभी तो आप गूगल करना, मुझे याद करना, मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा हमेशा, आज ही नहीं हमेशा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो उन लोगों को टैग करें जिन्हें सप्लाई चेन में कुछ सीखना अच्छा लगता हो या जिनका प्रोफेशन हो। और हाँ बाबा, कमेंट तो जरूर मारो। कमेंट मारोगे तो लोग हमें जानेंगे, तो धीरे धीरे हमारा कारवां बढ़ेगा, तो हमें वीडियो बनाने में मन लगेगा, और वीडियो बनाने में मन लगेगा तो आपको पता है।
कि आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो और हाँ, अगर वीडियो गलत लगे तो पेल पेल के गाली दो यारों, लेकिन कमेंट बॉक्स में, फोन पे मत देना भाई, कमेंट बॉक्स में गाली दो और कुंडी लगा के गाली दो, जैसी गाली देनी है वैसी गाली दो, बिंदास। तो आ जाओ आप मुद्दे पे आते हैं। तो हमने चालू करी, उसके बाद हमने सप्लाई चेन को सीखना चालू करा और बहुत तबीयत से सीखा। तबीयत से सीखने के बाद मैं मुंबई आया, लोक बेटा में रहा कुछ दिन। लोक बेटा के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कतर जाने की। कतर में हमने क्यूराई फार्मा में एज ए बिजनेस हेड, एज ए प्रोक्योरमेंट हेड काम किया। वहां मैंने सब कुछ हैंडल किया, लाइक पीपीआईसी, लाइक लॉजिस्टिक, लाइक प्रोक्योरमेंट, लाइक के प्रोडक्शन प्लानिंग, एवरीथिंग ऑफ द गैमेट ऑफ सप्लाई चेन। तो वी आर नाउ एबल टू डिस्कस विथ यू द ऑल सप्लाई चेन। तो इन शॉर्ट में कहें तो अभी तक कुछ ज्यादा तो भसड़ नहीं मचाई है, बस भोकाल दिया है भाई। लेकिन आपकी कसम, अगर आपने साथ दिया ना तो बीबी के बाइक की भी हम पीके रहेंगे और कैरी की तो विनती करा देंगे। तो कुछ तो ज्यादा नहीं हो गया भाई? लो तो आज के लिए बस इतना ही। कोरोना से बचे रहिए, निगोशिएशन करते रहिए, और हाँ सबसे जरूरी, रेस में बने रहिए। क्या पता कब आपका नंबर आ जाए। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, जय हिंद।